उसका मैं मुझे यानी कुछ नहीं हुआ, फिर मैंने शाह साहब वो लड्डू मेडिटेशन किया रमजान के महीने में। तो उसके करने के बाद मैं और मेरे हस्बैंड जब करते थे ना शाह साहब, तो एक अजीब सा यानी मुझे ऐसे लगता था कि मेरी आंखों में ना कोई साइडों से ना नीली रोशनी कभी नजर आती थी मुझे, और सर घूमता था मेरा भी और मेरे हस्बैंड का भी, शुक्र है और लड्डू नहीं कभी फटा। वाइट रोशनी। फिर उसके बाद पूरा महीना रमजान में किया शाह साहब, लेकिन उसके बाद ना मैंने रोक दिया, मैंने कहा शायद आपकी इजाजत नहीं है, क्योंकि मैं टिकटॉक से मैं आपकी बहुत सी इजाजत वीडियोस नहीं चाहिए। देखती दो थी मिनट और में सबको सुनती बता थी। दूं, लड्डू मेडिटेशन किसी भी किस्म की है इजाजत नहीं चाहिए, जस्ट करना पड़ता है, और अगर नहीं बनता काम बार बार करना पड़ता है कि बैठ जाए। एक दफा बैठ गया तो फिर सारे काम उस मेडिटेशन से होते हैं, बस बिठाने की बात होती है। इट्स लाइक जो वो होता है ना, क्या कहते हैं, कोई चीज़ बिठाई जा रही है किसी सुई धागा, बस वो धागा सुई में एक दफ़ा गुजारना होता है, उसके बाद वो गुजर गया, फिर वो जब तक धागा है तो चलता रहता है, चल सो चल, लेकिन बिठाना पड़ता है उसको। मेडिटेशन दिस इज़ हाउ इट्स डन, इट्स नॉट लाइक रेसिटेशन और मे बी लिसनिंग ऑफ द कुरान, इट्स नॉट लाइक दैट। क्योंकि वो तो ये कि तस्बीह का दाना, आपने तस्बीह पकड़ी उसी वक्त मलाइका हाजिर हो गया, जब आपने छेड़ी, आपने पहली चटख मारी उसी वक्त वो मलाइका जो है क्या कहते हैं उसे, प्लस हो गए 770 times। दूसरी दफ़ा आपने मारा तो वो 777 times, 7777 times, इट गोज़ अप टू बिलियंस, जितनी बार तस्बीह खड़काता है आदमी। यानी कि देखने वाले की अगर निगाह में, यानी कि सिवाय आंखों के कुछ भी नहीं नज़र आता, अगर पढ़ने पढ़ाने वाला आदमी देख ले उनको, ये तस्बीह का ये कमाल है कुरान का। मेडिटेशन इज़ सम